हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, ये एक एचपी का लैपटॉप है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल बराबर दिखाई दे रहा है। तो इसमें ये जो डीवीडी है ये काम नहीं कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, ये थोड़ा सा हिल रहा है। ये देखिए, इसे प्रेस करने के बाद ये कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसे हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसे शट डाउन करना होगा और इसे शट डाउन करने के बाद बैटरी पैक को निकालना होगा और यहाँ पे बैक कवर दो पार्ट में डिवाइडेड है तो इसे निकालना होगा ऐसे करके। और अब आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक स्क्रू, बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये डीवीडी का स्क्रू है, बराबर ये जो स्क्रू दिखाई दे रहा है ये डीवीडी का है। तो इसे निकालने के बाद आप ये डीवीडी राइटर को अब निकाल सकते हैं। तो इसे निकालेंगे सिर्फ, और ये देखिए स्क्रू मैं निकाल लिया। और अब यहाँ पे देखिए पास में एक होल है, तो इसी होल से स्क्रू ड्राइवर डाल के इसे बाहर की तरफ प्रेस करेंगे। तो ये देखिए डीवीडी रीडर बाहर आ चुका है। तो इसमें ये साटा डीवीडी रीडर है, तो साटा डीवीडी रीडर यहाँ पे भी अवेलेबल है मेरे पास। ये एक साटा डीवीडी रीडर है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसे ऐसे लगाएंगे सेम एकदम। तो ये जो स्क्रू का होल्डर है तो इसे खोलना होगा आपको। तो इसे खोलने के लिए आपको दोस्तों एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगा, ये छोटा थ्रेड वाला। तो इसे यहाँ पे ऐसे खोलेंगे और ऐसे यूं ही रखेंगे ताकि आसानी से सेम हम लोग लगा सके। ठीक है, ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं, बराबर। और अब इसे लगाएंगे यहां पे। और इसे टाइट करेंगे और इसे भी लगाएंगे और बाद में दोनों स्क्रू को टाइट करना होगा आपको, वरना ये यहां पे नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं, और सॉरी गाइस, ये मुश्किल का काम नहीं है, बहुत आसान होता है डीवीडी रीडर को चेंज करने के लिए। तो ये देखिए, और इसे भी फिर से एक बार अच्छे से टाइट करेंगे। और ये देखिए लगाया, और अब इसे खोलना होगा, इसे खोलना होगा आपको। ये जो कवर है इसे अगर नहीं खोले तो ये वहाँ पे सेट नहीं होगा। तो इसे खोलने के लिए इसका जो लॉक है उसे तो आपको सबसे पहले खोलना होगा। तो यहाँ पे इसका लॉक है, पर मैं इसे खोल के लगाना होगा, ठीक है। पर ये यहाँ पे अभी खोल नहीं रहा है, पर इसे किसी भी तरीके से यहाँ पे पिन डाल के आप खोल सकते हैं इसे। तभी ये इसे भी नहीं होगा। तभी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और बड़ा सा पिन लेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए तब भी नहीं हो रहा, पर इसे तो लगाना ही होगा, बराबर। और भी थोड़ा सा बड़ा सा पिन लेंगे तो तब ये निकलेगा बाहर।
ये पी नहीं जाएगा, इससे नहीं हो रहा है, तो दूसरा कोशिश करेंगे, इससे शायद हो जाएगा। पर इसका होल इतना छोटा है कि ये घुस ही नहीं रहा है। ये देखिए ये बाहर आ चुका है, और अब इसे ये यहाँ पे लॉक है, तो इस लॉक को खोलना होगा। दो तीन जगह पे इसमें लॉक मिल सकता है आपको, पर ये लॉक टूटा हुआ है और इस साइड का लॉक अभी अभी सही है, तो इसे मैं खोलता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसे खोलने के बाद इसे भी खोल लेंगे। यहाँ पे बराबर दो लॉक है, तो इसे खोलने के लिए आपको कभी दिक्कत हो सकता है, तो ध्यान से कीजिए। और ये देख सकते हैं आप, ये बाहर आ चुका है, और अब इसे यहीं पे सेट करेंगे। जिस जिस मॉडल का लैपटॉप है उस मॉडल से ही पुराना इसको लगाना होगा आपको, वरना ये सेट नहीं हो पाएगा। बराबर ये देखिए बराबर सेट हो चुका है, और ये प्रेस भी हो रहा है, और इसे हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसे ऐसे लगाने के बाद, एक मिनट रुकिए, इसका जो स्क्रू हम लोग निकाले थे, और ये कस्टमर को वापस दे देना होगा, क्योंकि ये घटिया सा हो चुका है और ख़राब भी हो चुका है, तो मैं दे दिया। कस्टमर अभी भी यहाँ पे बैठा है, और ये सर्विस करवा के फॉर्मेटिंग करवा के ले जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको डीवीडी का चेंज दिखाया, फॉर्मेट नहीं दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर दे दीजिए, और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और ये देखिए मैं इसे लगा के आपके सामने टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये अभी सही हुआ है कि नहीं हुआ इसका। हालांकि इसका बैटरी ख़राब है, तो इसे चार्जर में चलाना होगा, पर इसे मैं यहीं पे लगा रहा हूँ। बराबर लगाया, अगर गलती से भी थोड़ा सा भूल हो गए तो मेरे को माफ़ करना, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ, तो ये हो गया ना कभी दिक्कत का काम। तो मैं आपके सामने इसे चालू करके देखूँगा, और ये देखिए चालू कर दिया, पर यहाँ पे एंटर दबाना होगा, दो बार तीन बार एंटर दबाना होगा, तब जाके ये चालू होगा, क्योंकि ये विंडोज़ का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये बाहर आया है, ठीक है, पर मैं आपको चालू करके यहाँ पे डीवीडी लगा के आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, विंडोज चालू होने के बाद आपको दिखा पाऊँगा, ठीक है। तो गाइज ये एक विंडोज 7 का सीडी है, उसे तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे, थोड़ा सा और रुकिए, ये चालू हुआ है, और
अभी मैं इसमें विंडोज 7 का डिस्क डाल के दिखाऊंगा कि इसमें रीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये देखिए अच्छे से तो ओपन हो रहा है बराबर, तो देखिए ये अच्छे से ओपन हो रहा है ना, तो ये अपडेट्स ले लिया है तो इसके लिए टाइम ले रहा है, रिस्टार्टिंग हो रहा है फिर से, टाइम भी लगेगा। तब तक आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं वीडियो मिक्सिंग नहीं कर सकता, यह 4K में रिकॉर्डिंग हो रहा है तो इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। और थोड़ा टाइम लगेगा, ये रिस्टार्टिंग हो रहा है देखिए, है ना, तो ये फिर से रिस्टार्ट होगा और फिर से इंटर दबाना होगा क्योंकि वो बंद होने से पहले ही मैं खोल दिए थे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम और लग गए। टेस्टिंग करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि ये चालू, बिना चालू किए तो आपको दिखा नहीं सकता कि DVD जो मैं लगाया वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारा फॉलोअर्स है वो सोचेगा ये खराबी लगा दिया, क्यों लगाया ऐसा, ये वो ऐसा सोचता है। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ और मैं आपको ये अपडेट्स अप्लाई हो रहा है। अरे यार कितनी बार ये डिस्प्ले चेंज हो जाएगा। सो गाइज, टाइम बर्बाद करने के लिए सॉरी, तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, पर इसका जो स्क्रीन है इसे सीधा करना होगा वरना मैं यहीं पे काम नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो ये बराबर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे लगाएंगे हम DVD राइटर में, ये देखिए जो मैं चेंज किया, और अब यहाँ पे माई कंप्यूटर में आएगा, हालांकि ये अभी रीड हो रहा है, तो यहाँ पे चूज सेटिंग करने के लिए बोल रहा है पर मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको फाइल्स में जाके माई कंप्यूटर पे आपको दिखा सकता हूँ, तो क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे DVD आया था और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये काफ़ी स्लो है। ठीक है, यहाँ पे DSPC में जाएंगे तो तब ये DVD दिखाई दे रहा है आपको बराबर, है ना, तो इसे क्लिक करेंगे और देखेंगे DVD अच्छे से काम कर रहा है। ये देखिए विंडोज 7 है इसलिए इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पे अब यहाँ पे नज़र रखिए, मैं इसे इजेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए इजेक्ट कर दिया, ये देखिए बाहर आ चुका है बराबर। सो गाइज थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, और कमेंट जरूर कीजिए, आइए सीखिए, अगर मेरा चैनल पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।